उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलें चल रही हैं। हालांकि वरुण गांधी अगर कांग्रेस में जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल उनका मां और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी को लेकर भी होगा। इसकी वजह है कि वरुण गांधी का करियर मां के बीजेपी में शामिल होने के बाद ही शुरू हुआ था। ऐसे में हम एक नज़र मेनका गांधी के राजनीतिक करियर पर डालते हैं। मेनका गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू और कांग्रेस नेता संजय गांधी की पत्नी है। इनकी गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। हालांकि इससे पहले संजय गांधी के निधन के बाद सोनिया गांधी से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। तब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय संजय मंच बनाया था। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गईं। तब 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। इसके बाद 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। इसके बाद से मेनका गांधी कभी चुनाव नहीं हारी हैं। लेकिन इस बीच वे 1998 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और जीत दर्ज की थी। वो 1996 से अभी तक लगातार 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के साथ उनका सफर 2004 में शुरू हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पीलीभीत के जगह वरुण गांधी के लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर से टिकट दिया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई हैं। खास बात यह है कि मेनका गांधी का जानवरों के प्रति खासा प्रेम रहा है। कई मौके पर उन्हें जानवर के अधिकारों के लिए अपनी बात रखी है।